अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफ़त जुलेखास किचन .com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी फेमस रेसिपी, मोहम्मद अली रोड स्टाइल, मिनारा मस्जिद स्टाइल नान चाप। वैसे मैं चिकन में बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। वैसे मटन की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और मैंने खूब सारी रमज़ान की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के लिए, उन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख तो रही है, लेकिन टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस का इस्तेमाल किया है, थाई पोर्शन का, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। इसकी चर्बी निकाल लीजिए, मीडियम पीसेस करके इसे 2-3 पानी से धो के नितार के एक बर्तन में डाल दीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी, थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच पर और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच पर रख कर इसे पकने दें। आप तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। 1-2 बार बीच में चलाने जैसा लगे तो चम्मच से चला लीजिएगा। कुछ देर बाद चिकन ये देखिए हो चुकी है। मैं इतना पानी रहने देती हूँ, 1/4 पोर्शन जितना पानी रहने दीजिए। चूल्हा कर दीजिए बंद और साइड पर रख दीजिए। अब एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और 1-2 टेबलस्पून मक्खन डालिए। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को छुंदा काटा है और वो भी डाल दीजिए और उसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, तब तक। प्याज को स्पैचुला की मदद से बार बार चलाते रहिए, जब कच्ची पक्की हो जाए तो आधा टमाटर को छील निकाल कर बारीक काट कर डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को और 1 मिनट उसे पकने दें। जब 1 मिनट हो जाए मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, हल्दी डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। चूल्हा स्लो पर है, थोड़ा सा पानी जो स्टॉक रखा था साइड पर जो हमने बचा कर वो थोड़ा डाल दीजिए इसके अंदर जो चिकन का रखा था। मिक्स कीजिए और चूल्हा स्लो पर ही है, ढक कर 2-3 मिनट तक उसे थोड़ा सा पकने दीजिए कि थोड़ा सा तेल छूट जाए। तब तक ये चिकन को है ना श्रेड कर लीजिए हाथों की मदद से। थोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं हल्का सा चिकन में है। अब ये सारा श्रेड हो गया, यहाँ 1-2 मिनट हो गई, तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं मसाला अच्छा भून चुका है 2-3 मिनट के अंदर। तो यहाँ डाल दीजिए जो चिकन आपने श्रेड करके रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारी डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और स्पैचुला की मदद से है ना इस तरीके से मैश करते जाइए, तो एकदम आपके हाथ से बारीक नहीं हुई होगी तो स्पैचुला से और बारीक हो जाएगी चिकन। यहाँ पर अब मैंने 2 मीडियम साइज आलू बॉईल करके छील के साइड पर रखे थे, ये भी मैं हाथों की मदद से मैश करके डाल देती हूँ इसके अंदर। आलू डालते ही नमक डाल दीजिए आलू के भाग का, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 या फिर 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। मैं आधा डाल रही हूँ चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच, आप चाहें तो 1/4 भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खटास नहीं चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए स्पैचुला की मदद से, सो दैट ये जो हमारी आलू है इसके जो पीसेस हैं वो सारे फूट जाएं और एकदम एक लई हो जाए पूरा, कि मसाला लगे आपको और आलू आलू दिखे ना, इस तरीके से मैश कीजिए इन सारों को। यहाँ पर मैं 1 हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से मैश हो जाए और आलू की गुठलियां दिखे ना तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 4 नान, स्पेशली नान चाप के लिए आते हैं, अगर आप बोलेंगे ना तो वो आपको नान चाप के नान देंगे। इसमें 2 साइजेस आती है, मैं बड़ी वाली ली हूँ, आप चाहे तो छोटी भी ले सकते हैं। और बीच में से इस तरीके से 2 हिस्सों में इन्हें काट दीजिए एक एक को। जब आप सारे नान को एक एक के 2-2 पीस कर लें तो तवे को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, जब अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और इस तरीके से खोल खोल के नान के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए और इससे ये मक्खन का साइड जो है ना इसे आप
तवे के ऊपर रख कर उस साइड को सेक लीजिए। अच्छा, ये वाला स्टेप है ना, ये ऑप्शनल है, पर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर का बेस भी थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी होगा और थोड़ा सा बटरी होगा, तो मजा आएगा। मैं इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, आपने नहीं करना तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। जब सारे फ्राई हो जाए तो अब ये जो नान है इसे खोलिए और इसका जो बेस वाला पोर्शन है इस पे ये जो चिकन का मिक्सचर है अच्छे से चम्मच की मदद से डाल दीजिए और उसे स्प्रेड आउट कर दीजिए। कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सारों को भर लीजिए इसी तरीके से। नान को उलट पलट करके थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा लीजिए और गरम जो तवा है उसके ऊपर डालकर अच्छे से सेक लीजिए। चूल्हा मैंने स्लो और मीडियम के बीच में रखा है। उलट पलट करते जाए और अच्छा सा गरम हो जाए और हल्का सा सिक जाए और आपको लगे गरम हो चुका है तो इसे निकाल कर इसके पीसेस कर कर सर्व कर दीजिए। इसी तरीके से सारे उलट पलट करते जाए, हल्का हल्का मक्खन लगाए, फ्राई कर ले और स्लो रखें, स्लो से मीडियम के बीच में रखें और सारों को हल्का हल्का सेक लें। जब सारे सिक जाए एक एक करके तो इन्हें निकाल कर काट लीजिए, पीसेस कर लीजिए। चलिए, जब सारे काट ले तो गर्मा गर्म इन्हें सर्व कर दीजिए। तो ये हो गई रेडी हमारी चिकन नान चाप, एकदम मीनारा मस्जिद स्टाइल। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, हरी चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है हरी चटनी की, बढ़िया सा सर्व करें गर्मा गर्म। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।